हाँ भाई, फर्स्ट ईयर। अब समझना, यहाँ पर क्या हुआ था, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन, सिनेप्स किसकी वजह से बना था, युग्मित बल की वजह से बना था। युग्मित बल ने किनके बीच में काम किया, दो क्रोमेटिड के बीच में। ठीक है, क्रोमोज गुणसूत्रों के बीच में, समजात गुणसूत्रों के बीच में एक आकर्षण बल ने काम किया, जिसकी वजह से जोड़े बन गए। जोड़े को हम क्या बोलते हैं, आपका क्या लिखा है, सिनेप्सिस। थोड़ा ध्यान रखा करें भाई। देखिए क्लास, अब ये जोड़े बन तो गए, ठीक है, संजात गुणसूत्रों में ये जोड़े तो बन गए। ये जोड़े जो बने हैं, इन्हें किस प्रकार के होते हैं, बाईवैलेंट प्रकार के होते हैं। एक जैसे जोड़े हैं, बाईवैलेंट है। ठीक है, ये बाईवैलेंट जोड़े में से जो एक जोड़ा होगा आपका, ठीक है, वो तो होता है पैतृक, पैतृक गुणसूत्र, समझ में आया। और एक होता है आपका मातृत्व गुणसूत्र, मतलब पैटर्नल क्रोमोसोम एंड मैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों प्रकार के गुणसूत्र हैं। एक गुणसूत्र आपके फादर से आया है और एक गुणसूत्र आपके माता की तरफ से है, समझ में आया। आप लोग जनरली क्या करते हैं, पैटर्नल मैटर्नल ये दो टर्म देखने को मिलेंगे आपको आपकी बुक में। ठीक है, जरूरी नहीं है हिंदी में लिखा हो पैतृक और मातृत्व, तो उसमें अंतर क्या रहता है समझिएगा। आप लोग जानते हैं बचपन से हमें सिखाया जाता है, नानी दादी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, हम ग्रैंड मदर ये बोल देते हैं, चाचा मामा ताऊ सबको एक कैटेगरी में, दैट इज अंकल, चाची मामी सबको एक कैटेगरी में, दैट इज आंटी या आंट, राइट। गलत होता है, आप कभी अपना गूगल सर्च कीजिए या फिर अपने उसमें सर्च कीजिए जो भी आप डिक्शनरी वगैरह रखते हैं, उसमें अगर आप लोग सच में इसको बोलना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, अगर नानी है तो हम बोलेंगे शी इज माई मटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है, और दादी को पैटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है, तो मैटर्नल पैटर्नल ये दो टर्म होते हैं। पैटर्नल मीन जो फादर की तरफ से होगा पैतृक, और मैटर्नल मीन जो माँ की तरफ से है मैटर्नल, समझ में आया। ठीक है, तो पैटर्नल मैटर्नल ये दो टर्म्स होते हैं, तो लगाना शुरू कीजिएगा। आप सबको एक एक कैटेगरी में खड़ा नहीं कर दीजिएगा, लगेगा कि हाँ भाई थोड़े पढ़े लिखे इंसान हैं आप, पढ़ते हैं बुक्स को भी। चलिए आगे बात करते हैं हम, तो इसमें ये बाईवैलेंट जो गुणसूत्र बने हैं उनमें से एक कैसा है, पैतृक गुणसूत्र, और दूसरा मातृत्व गुणसूत्र है। ठीक है, एक पिता की तरफ से आया है, एक माता की तरफ से आया गुणसूत्र है। ठीक, ये अब क्या होता है, ये पेयरिंग जो होती है ये बहुत लंबी होती है, जैसे जिप होती है, जिप चेन, ठीक है ना, उस तरीके से पेयरिंग हो जाती है बहुत लंबी, एक चेन की नुमा, एक जिपर बनता है। जिपर समझते हैं ना, जिप, जिपर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जिपर बनने की जो फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बुके। ठीक है, बुके फॉर्मेशन या फिर बुके का बनना। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने लिखा भी हुआ है, दैट इज अ बुके फॉर्मेशन। बुके का मतलब समझ में आया, बुके का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जिपर। जिप तो सभी जानते हैं, चेन है ना, चेन के जैसे बन जाता है, आप जानते हैं ना, चेन पटरियों के तरीके से दो रो रहते हैं। और ठीक है, तो अब इसको बात को नहीं आगे बढ़ा रहे, समझ में आया आप लोगों को, जायगोटिन अवस्था। तो जायगोटिन अवस्था में क्या हुआ, एक तो बुके फॉर्मेशन हुआ, खास बात होती है इसमें जोड़े बनते हैं। जोड़े भी कैसे, क्या बोलते हैं उन्हें हम, सिनेप्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन किसकी हुई, सिनेप्सिस की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, और बाइवेलेंट है ये, बाइवेलेंट में से एक पिता की तरफ से है पैतृक गुणसूत्र है, एक मातृत्व गुणसूत्र है, समझ में आया होगा, होप सो। ठीक, अब इसके बाद की जो अवस्था होती है जायगोटीन के बाद में क्या आती है आपकी, पैकेटीन। ठीक है, पैकेटीन अवस्था क्या होती है क्लास समझिएगा। पैकेटीन अवस्था में अभी ये दोनों गुणसूत्र जो थे, ठीक है, अब ये दो भागों में टूट जाती है। कहाँ से टूटते हैं, काइनेटोफोर की तरफ से। ठीक है ना, वहां से तोड़ती तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता, इसलिए अलग से तोड़े हैं। ठीक है, दो भागों में टूट जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, टेट्राड का। आप लोग जानते हैं मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। ठीक है, और उसी से टर्म से बना हुआ टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है जहां पर फोर, टेट्रा मीन क्या होता है, फोर। टेट्राड का मतलब हो जाता है जहां पर चार क्रोमेटिड उपस्थित हों। ठीक है, चार क्रोमेटिड का बनने की जो प्रक्रिया होती है, दैट इज अ टेट्राड। टेट्राड बने कैसे, आपके ये जो गुणसूत्र थे, मातृत्व गुणसूत्र और पैतृक गुणसूत्र जो थे, इनमें विभाजन होता है काइनेटोफोर की तरफ से,
और ये दो भागों में टूट जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से चार क्रोमेटिड बने हैं। फिर याद दिलाते हैं, दिस इज अ क्रोमेटिड, ठीक है। ये क्रोमेटिड जो बनते हैं वो अपने काइनेटोफोर से एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। समझ में आया? ठीक, तो वही चीज है आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों जो बने हुए हैं ना, ये किसकी तरफ से बने हुए हैं? ये है पैतृक गुणसूत्र और ये दोनों है मातृ के गुणसूत्र, ठीक है। विभाजन हुआ था इसीलिए दो दो में हो गए, फोर है इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया हुआ है, टेट्राड। समझ में आया होगा, होप सो। अब क्या होता है क्लास, ये जो अब पैतृक गुणसूत्र में से बने हैं, ठीक है, तो ये जो बनते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इनको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों सिस्टर क्रोमेटिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड का निर्माण जो हुआ है वो एक गुणसूत्र से हुआ है, या तो पैतृक गुणसूत्र से या मैतृक गुणसूत्र से, है ना। तो एक ही गुणसूत्र से बनने वाले क्रोमेटिड को हमने क्या बोला हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड। दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी और इसकी, ये दोनों जो हैं, ठीक है, ये क्या हो गए आपके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये तो आप जानते हैं, एक माँ के बच्चे जो होते हैं, अगर दो सिस्टर है तो सिस्टर ही होती है ना, और अलग अलग माँ से होते हैं तो वो नॉन सिस्टर हो जाती है। समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होता है इसमें, समझाने के लिए, याद रखने के लिए बताया जा रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आया? तो यहाँ पर ये है आपकी सिस्टर क्रोमेटिड और ये दोनों जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बनती है। समझ में आया? पैकेटिन अवस्था चल रही है क्लास, ध्यान रखिएगा। टेट्राड किसमें बनता है, पैकेटिन में। काइजमेटा किसमें बनेगा, पैकेटिन में। क्रॉसिंग ओवर किसमें होगा, पैकेटिन में, ठीक है। तो कुछ ये पैकेटिन अवस्था मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होती है, सर्कल लगा लीजिएगा और याद करना है अपने एग्जाम टाइम में। देखिए अब क्या होता है, कर लिया, चले। अब क्या करते हैं, ये जो सिस्टर क्रोमेटेड थे दोनों, ठीक है, इनमें होगा अब क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जानते हैं आप सब, केमिस्ट्री में तो पढ़ाया ही जाता है क्रॉसिंग ओवर, है ना, कि एक दूसरे को ओवरलैप करना, है ना। तो ओवरलैपिंग की प्रोसेस होगी। अब ओवरलैपिंग की जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या नाम देते हैं, काइजमेटा। क्या देते हैं, काइजमेटा। काइजमेटा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये दोनों जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड थे इनमें ओवरलैपिंग की प्रोसेस होगी, या फिर आप बोल सकते हैं इसको क्रॉसओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब भी तो वही हो गया। तो अब इसमें ये दोनों में क्या हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड के बीच में, यहाँ पर अब काइजमेटा की प्रोसेस होगी। यहाँ पर अभी सिर्फ एक दूसरे को ओवरलैप किया है, ठीक है। ओवरलैप करने के बाद ये दोनों अपनी अपनी जगह से टूट जाएंगे। नेक्स्ट उसमें देख सकते हैं, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, टाइम है, चलो देख नहीं रहा, एक बार दोबारा बना दें फिर इसको रफ करके, है ना। चले समझना अब क्लास, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर अब जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी इनमें, ठीक है, पैकेटिन अवस्था में जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी, अब उन क्रोमेटिड के बीच में अलगाव होना स्टार्ट हो जाएगा। अलगाव मतलब क्या होता है आपका, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से पहले ये टूटेंगे ना, तो ऑब्वियस ही बात है दो सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हो जाएगा, विनिमय की प्रोसेस हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम्स में, इंटरचेंज होंगे। इसीलिए ये दोनों की जो प्रक्रिया है जहां पर ये इंटरचेंज,
विनिमय होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मतलब आनुवांशिकी पुनर्योजन। ठीक है, पुनर्योजन। ठीक है, अब समझिएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमने इसको टर्म क्यों दिया, क्योंकि इनमें आपके जेनेटिक सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, तो दो सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब आई मीन टू से दो क्रोमेटिड के बीच में अनुवांशिक पदार्थों का जब विनिमय हो, विनिमय समझते हैं ना, लेना और देना, इसी प्रोसेस को तो हम विनिमय बोलते हैं। सिर्फ देने की जो प्रोसेस होगी या फिर लेने की जो प्रोसेस होगी कभी भी विनिमय नहीं आएगी। विनिमय को मतलब होता है देना और साथ में लेना, ठीक है, वो विनिमय होता है। तो जो इंटरचेंज हुआ था जेनेटिक पदार्थों का, इसीलिए इसको हमने टर्म क्या दिया हुआ है, अनुवांशिकी पुनर्योजन। जबकि ये दो जो क्रोमेटिड हैं, ठीक है, इनमें तो नहीं हुआ विनिमय की प्रोसेस, तो ये कैसे हो गए, नॉन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आया। यहां पर सिर्फ इनमें अलगाव होता है, तो इंटरचेंज होने की वजह से आपके पैटर्नल मतलब आपका जो पैतृक गुणसूत्र का कुछ हिस्सा आपके मातृत्व गुणसूत्र के साथ लग जाता है विनिमय के दौरान, ठीक है, और मातृत्व गुणसूत्र का कुछ हिस्सा आपके पैतृक गुणसूत्र के साथ लग जाता है। समझ में आया। तो ये पैकेटिन अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है। काइजमेटा क्या है, एक्स अरेंजमेंट ऑफ क्रोमेटिड, मतलब एक्स विन्यासों में व्यवस्थित होना। देखिए यहाँ पे एक्स तो बना था यहाँ पर, ठीक है ना, तो काइजमेटा का मतलब वो क्या होता है, जब एक्स अरेंजमेंट में आपके क्रोमेटिड व्यवस्थित हो जाए एक्स, ठीक है, समझ में आया। तो जो प्रोसेस होती है उसको हम काइजमेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है काइजमेटा क्या है। तो अर्धसूत्री विभाजन के पहली अवस्था में बनने वाले जो पैकेजिंग अवस्था होती है, उसमें जो आपका एक्स अरेंजमेंट पाया जाता है क्रोमेटिड के बीच में, उसे हम काइजमेटा बोलते हैं। आपको बकायदा बना कराना पड़ेगा, ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब हम बात करें तो पैकेटिन अवस्था के बाद जो आती है, दैट इज दैट डिप्लोकाइनेसिस, डिप्लोटीन। ठीक है, तो डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है, क्लास समझिएगा। डिप्लोटीन अवस्था में इन दोनों क्रोमेटिड के बीच में अभी तक कौन सा बल काम कर रहा था, पेयरिंग फोर्स। ठीक है, अब पेयरिंग फोर्स जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनमें क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट था आपका क्या, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या हो जाता है, ये जो आपके क्रोमेटिड होते हैं ये अब एक दूसरे को रिपेल करके अपने अपने ध्रुवों की तरफ जाने लगेंगे, गए नहीं है, जाने लगते हैं। ठीक है ना, एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इन दोनों क्रोमेटिड का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, आपके डाइकाइनेसिस में। होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी प्रोफेज फर्स्ट। समझ में आई, अभी सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट क्लियर हुई है क्लास, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब रह गई है अभी। समझ में आया, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।